नमस्कार दोस्तों, वेदीफाइट के इस YouTube चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखबीर सिंह संधू को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये उन्हें नियुक्त किया गया है NHAI का, और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। खगोलविदों द्वारा पाए गए नए ग्रह का नाम बताइए। तो वो एस्ट्रोनॉमर्स ने नए ग्रह खोजा है, इसका नाम है TOI 849b, TOI 849b, और ये जुपिटर के जैसा दिखने वाला ग्रह है और पृथ्वी से 39 टाइम्स बड़ा है। तो अगर हम कहेंगे ये कितना दूर है पृथ्वी से, तो ये है 730 लाइट ईयर दूर है। और अगर हम कहेंगे कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 9.461 × 10^12, 9.461 × 10^12। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो बेसिकली ये पोडियम स्थान होता क्या है, तो ये पोडियम स्थान है थर्ड पोजिशन। तो इसमें थर्ड पोजीशन किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पानू ने, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पानू ने। कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो इनकी आखिरी फिल्म थी कलंक। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। और इस तरह से कुछ और भी योजनाएं आई हैं, अभियान जो चले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्यार का पौधा नाम का अभियान शुरू किया था बिहार सरकार ने, थैंक मॉम शुरू किया था MP की सरकार ने, और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का टारगेट है 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का, और दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन पे आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, और मैं आपको इस तरह से रिवाइज कराता रहूँगा पुराने न्यूज़ भी, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठी लेखक और नाटककार को मरणोपरांत नटवर प्रभाकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और ये सम्मानित किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये किन्हें मिलेगा? रत्नाकर मटकरी को, रत्नाकर मटकरी को। लिन डैन ने अपने किस खेल से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये रिटायरमेंट घोषणा की है बैडमिंटन से, और ये चाइना के प्लेयर है, और ये चाइना के प्लेयर है। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करके आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है, इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर है कौन? ये है रविशंकर प्रसाद, और हमारे MSME मंत्री है नितिन गडकरी, HRD मिनिस्ट्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये सब आपको मिनिस्टर याद रखने हैं। किरेन रिजिजू के साथ किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, और ये हमारे HRD मिनिस्टर है। किस राज्य ने किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? ये शुरू की है उड़ीसा की सरकार ने, और इसमें लैंडलेस फार्मर्स को लोन दिए जाएंगे। ये स्कीम नाबार्ड के साथ मिलकर लॉन्च की गई है, और नाबार्ड के चेयरमैन है हमारे गोविंदा राजुलू चिंताला। चिटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में, और ये पोर्ट न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंडिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से
चिटगांव पोर्ट के बीच एक नया शिपिंग सर्विस स्टार्ट हुई है। एक नया शिपिंग सर्विस स्टार्ट हुआ है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है, यह है कोलकाता में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जंग संघ के फाउंडर भी थे। और ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश का मैप, बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, वहाँ करेंसी है टाका, वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, पीएम है शेख हसीना। और ये शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखने हैं। भारतीय रेलवे और किसने 6049 रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुआ है रेल टेल के साथ और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है तीसरा। और तो इसमें पहला कौन है? इसमें पहला है चाइना, दूसरा है यूएस और तीसरा है भारत। यह हमें याद रखनी है। कौन सा एएमसी है ने जिसने 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी किस्त लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एडलविस एएमसी ने। और एडलविस एक ब्रोकिंग फर्म भी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो 5 जुलाई का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला 6 जुलाई का वीडियो कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। जय हिंद।